और यहाँ से हमें लेने हैं ब्लैक ऑलिव्स। रमज़ानों के लिए हमने यहाँ पे कोकोनट वाटर लिया है, तो ये अच्छा है। ये ऑफ़र में जो 1 kg में था ना, उसमें कोई ऑफ़र नहीं थी। 2 kg अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है वो रमज़ान की फ़र्स्ट जो ग्रॉसरी होती है वो हम करने के लिए आए हुए हैं। अभी तकरीबन रमज़ान में तो काफ़ी दिन है, तकरीबन 2 हफ्ते रहते हैं, और ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा शायद लेट मिले। और तो बस हम आ गए थे आज पांडा से। मैं बस वो सामान लूँगी जो कि मैं जो फ्रीज़ करूँगी ना सामान, जैसे रोल समोसे हो गए, तो उसकी जो पट्टियाँ वगैरह होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ से लूँगी। अभी फ़िलहाल जो भी वेजीज होंगे ना वो शायद मैं नहीं लूँगी, शायद कैरेट ले लूँ, ख़राब नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो, क्योंकि मैं अभी तो नहीं बना रही, तकरीबन मैं 3-4 दिन के बाद स्टार्ट करूँगी बनाना, तो जब बनाऊँगी उसी टाइम से मैं लूँगी। ब्रेड वगैरह भी लेनी है तो वो भी तब भी ताज़ी लूँगी। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, सब लोग रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। और ये रहा अज़लान, और अज़लान अभी यहाँ पे अपना बिस्किट इंजॉय कर रहा है और मम्मा को तंग भी कर रहा है ना। और हम बाबा का वेट कर रहे हैं, बाबा गए नमाज़ पढ़ने। क्या सोच रहे हो अज़लान? बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे हैं इसके, जल्द हम कटिंग भी करवाएंगे। अब देखते हैं कैसे करवाता है ये। तो यहाँ पे सामान कुछ ले लिया है, और जिसमें मैदा लिया है मैंने, ये ऑयल लिया आप का फ्राइंग वगैरह के लिए, और भी चीज़ें भी देखती हूँ जो फ्रोज़न आइटम है वो लास्ट में उठाऊँगी। तो अभी हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ से हमें लेने हैं ब्लैक ऑलिव्स, और बस वो लेते हैं। और बाकी सामान मैंने यहाँ पर ले लिया, अभी मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें ली हैं। सामान जो है वो ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है, तो बस इसको हम पेमेंट वगैरह करते हैं, वहाँ से जाते हैं। मैं आपको जब तक दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं, क्योंकि घर जाके तो मुझे नहीं लगता, मैं इसे डायरेक्ट जाकर फ्रीज़र में रख दूँगी। और तो यहाँ पे जो ये ऑलिव्स भी ले लिए हैं, और रमज़ानों के लिए हमने यहाँ पर कोकोनट वाटर लिया है, और ये फ्रेंच फ्राइज हैं, इसके अलावा ये पराठे हैं, और जो चीज़ चाहिए थी वो थी ये स्प्रिंग रोल की जो पट्टियाँ होती हैं, ये 2 मैंने छोटे पैकेट लिए और 1 मैंने लिया बड़ा। और इसके साथ साथ यहाँ पे पफ पेस्ट्रीज जो होती हैं पेस्ट्री, वो मैंने डिफरेंट यहाँ पे ली हैं, ठीक है, उसके पैकेट्स लिए हैं। और यहाँ पे समोसा लीज, तो ये समोसा की पट्टियाँ मैंने ली हैं। तो ये अच्छा है, ये ऑफ़र में जो 1 kg में था ना, उसमें कोई ऑफ़र नहीं थी। 2 kg है अलग अलग, इसके अंदर भी एक बॉक्स साथ में फ्री दिया उन्होंने, और इसके अंदर भी एक पैकेट है, तो ये लिया है। और बस साथ में कुछ फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह लिए, नॉर्मल हरी प्याज लिए मैंने समोसों के लिए। तो बस ये है आज की हमारी ग्रॉसरी, और बाकी जो होगी सब्ज़ियाँ वगैरह उसी टाइम। क्या चीज़? अच्छा नहीं नहीं हमारे पास है, ये हम लेकर जा चुके हैं पहले। तो बस ये थी हमारी आज की ग्रॉसरी, और बस जाकर हम इसकी पेमेंट वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखती हूँ या नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो खैर हमें कोई खास काम नहीं है, और हम लोग कहीं ज़्यादा घूम फिर भी नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रीज़र में रखने की हैं, और जल्दी जल्दी घर जाके इसको फ्रीज़र में रखनी है। तो यहाँ पर हो गई सारी पेमेंट, और तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, सामान हमने ले लिया, और अज़लान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। अज़लान हाँ, तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड। जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी रमज़ान की तैयारियों की, मतलब वीडियो, और मैं क्या क्या चीज़ें बनाऊंगी साथ साथ शेयर करती रहूंगी। और बस जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अज़लान आराम से बैठ गया, अभी हेयर कट होने वाला है, उसको पता नहीं है किसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन कैसे हेयर कट करवाना है।
नहीं देखना, कौन सा देखना ये वाला? एंडिंग तो कर दी थी, लेकिन याद आया कि इस्लाम की हमें हेयर कट करवाना था, तो हमने लास्ट टाइम पता नहीं कौन से मॉल में देखा था जहाँ पे बच्चों के बाल वगैरह कटते थे, काफ़ी अच्छे तरीके से अंदर से डेकोरेट भी किया होता बच्चों के हिसाब से। तो खैर यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए ना, हम लोग ये है नजरान सेंटर, तो यहाँ पे हमें देख किया, छोटी सी शॉप थी लेकिन अच्छी थी, तो बस अभी हम लोग वहीं से इसके कटिंग करवा कर आए। शुरू में तो हमें लगा था कि ये बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाएगा क्योंकि ये इसका फर्स्ट हेयर कट है, और ये वैसे भी डॉक्टर के पास भी जाता है ना तो बहुत हंगामा करता है, बिल्कुल चेकअप भी नहीं करवाता। तो मैंने सोचा था कि बहुत तंग करेगा, लेकिन स्टार्ट में तो बिल्कुल तंग नहीं किया, लेकिन एंड में फिर ये बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा लग रहा है बहुत। अजलान कैसे लग रहे हो बेबी? हाँ अजलान कैसे लग रहे हो, कैसे लग रहे हो बताओ, मेरे पास आई नहीं ना, मैंने कुछ किया इसके साथ। तो बस अब हम फाइनली इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।